हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक अद्भुत टॉपिक स्टार्ट किया है जिसकी टेक्स्ट बुक में एंट्री नहीं है बच्चों, ठीक है। फिर भी आपको पूरी ईमानदारी से दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा के पूरा फ्लेक्सिबल बजट टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। लास्ट में बच्चों हमने फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग देखा था, उसके बाद हमने तीन प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर कैसे बजट बनता है वो देखा, फिर एक में हमने पर यूनिट कॉलम ली थी। पूरा टॉपिक बच्चों हमें समझ आ गया है तीन वर्ड के ऊपर, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन। अब बच्चों आपके सामने आज लेने जा रहा हूँ, पहले लेक्चर में आपने देखा होगा सेमी वेरिएबल में कितने परसेंटेज फिक्स और वेरिएबल दिया था, पर ये दोनों दिया ही ना हो तो बच्चों अद्भुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। वी आर टेकिंग सम नंबर 6 संदीप, होमवर्क में 5 नंबर। ये कहां से लोगे? ये कॉपी में से, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों। द एनुअल फ्लेक्सिबल बजट ऑफ संदीप लिमिटेड एज फॉलो। कैपेसिटी 57500, मटेरियल वेज फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, कोई भी पर यूनिट डेटा ही नहीं बच्चों। द कंपनी इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग ओनली एट 50% कैपेसिटी। प्रेजेंट कैपेसिटी बच्चों 50% है। Sales volume at present 5 lakhs. It is anticipated 5% reduction in selling price to increase the sales volume to operate at 60 or 80% capacity. Prepare a flexible budget for 60 and 80. हमेशा बच्चों 60 80 वाले मानता हूँ, हम present column भी साथ में joint मारेंगे। नजर बोर्ड पे मित्र, flexible budget. सबसे पहले particulars, उसके बाद बच्चों हम present है 50. प्रेजेंट है इसके लिए क्या फिर मांगा है उन्होंने 60% and 80%। ओके चलो, फिर अब 50% में मेरे पास सेल्स है बच्चों। कितना सेल्स है? 5 लाख, ठीक है। फिर इसे भाग करेंगे बच्चों, लेस करेंगे टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहला खर्च है डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 1 लाख। सेकंड एक्सपेंडिचर बच्चों डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू है 120। अब डायरेक्ट मटेरियल को हमेशा वेरिएबल बोला जाता है, वेजेस भी वेरिएबल। उसके बाद है बच्चों फैक्टरी ओवरहेड। अब मुझे इसमें पता नहीं है फिक्स है कि वेरिएबल है क्या है, तो सबसे पहले बच्चों आप टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट का नियम से, जो पर यूनिट सेम है। अब डायरेक्ट मटेरियल तो मैंने बोल दिया वेरिएबल है, पर क्या कोई सर खबर गए तो साबित करता सकते हो जो नॉट नंबर वन पहले आप रूल सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास बुक में 50% पे कितना है? 50% पे 1 लाख, तो 100 पे हाउ मच? मैच करो दो, 2 लाख आ रहा है, सही है। आ इसे चेक करो, जो मैथ था इंटरनल वेरिएबल का बिजली 100% वाली कॉलम से मैं जो 2 लाख रुपए, 2,75,000 निकालो, 1.5 लाख, 2,50,000 निकालो, इसलिए आ इसे मैथ था बच्चों, तो इन्हें कहते हैं वेरिएबल बिजली। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है 1 लाख रुपए, उसको डिवाइड करो 50% है ना, 50% से खाली 50 से डिवाइड करो, कर दो मित्र 2000। ये क्या आया? और परसेंटेज वैल्यू सेम बाजू में 1,50,000, उसको 75 से डिवाइड करो, 1,50,000 डिवाइड बाय 75 2000, हाँ 2,100 से डिवाइड करो 2000, इतने पर परसेंटेज अथवा पर यूनिट सेम रहे अथवा इतने चेक था करने वेरिएबल के बाद। अब आप लोग क्या करोगे, बुक में जो आपके पास एग्जांपल है वहां पेंसिल लिख दो भी, देखो मुझे लोग लो भी वी लो की ना पढ़ याद है, पहला बस भी सेकंड वेजेस देखो तो 120 डिवाइड बाय 50, 120 को 50 से डिवाइड करो 2,400। अब
फैक्ट्री ओवरहेड 70,000, 70,000 को 50 से डिवाइड करो 1400, फिर 85,000 है उसको 75 से डिवाइड करो तो 1133.33। ओ यानी ये खर्च बच्चों वेरिएबल भी नहीं है कारण पर यूनिट मेहनत नहीं आ रहा, फिक्स कॉस्ट भी नहीं है कारण टोटल मेहनत रहेगा, तो जो खर्च वेरिएबल ना हो फिक्स ना हो उसे क्या कहा जाता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और सेमी वेरिएबल में क्या करना है बच्चों फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा, क्लियर ड्यू। अब तीसरी एक बात है फैक्ट्री ओवरहेड जो 100% 1 लाख आवे 1 लाख ना 75 का काट 75,000 भाव जो नदी रहो 1 लाख ना 50% 50,000 नदी रहो तो वेरिएबल है नहीं फिक्स नहीं है सेमी वेरिएबल। सेम बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है देखो ओ तीनों में सेम बोलो तीनों में सेम हो तो क्या समझोगे दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट बदले में लिखना हूं हां ये तो सेम ही है बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नजर बोर्ड पे उसमें मुझे लग रहा है फिक्स और वेरिएबल होगा चेक करते हैं सेमी वेरिएबल है हां तो पहले में 1 लाख 1 लाख को 50 से डिवाइड करो 2000 और फिर 130,000 को 75 से डिवाइड करो टोटल कॉस्ट कितना है मतलब कटिंग पर नीचे आएगा प्रॉफिट ओके ए माइनस बी इसे नाम दे देते हैं बी और सेल को ए ठीक है। चलो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल कैसे अलग करो दिखा शुरू और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कैसे अलग करो दिखा शुरू उसके लिए बच्चों साइड में नोटिंग करना होगा। चलो जॉइंट पे जा रहे हैं बच्चों वेरिएबल में क्या करोगे तो वेरिएबल में पहला ऑप्शन देख लो 50 पे 1 लाख को 60 पे हाउ मच अथवा ऐसा काम करना हो तो 100% पे 2 लाख है 2 लाख का 60% निकालो 120 2 लाख रुपए का 80% निकालो 160 अथवा बीजे ये 1 लाख उसको 50% से डिवाइड करो 2000 ये 2000 पर परसेंटेज है इसको 2000 × 50 2000 × 60 2000 × 80 करो तो भी मिल जाएगा। चलो डायरेक्ट वेजिंग में 100% पे 240 है 240 का 60% निकालो 1,44,000 2,40,000 का 80% निकालो 1,92,000 क्लियर हो रहा है बच्चों। या दूसरा ऑप्शन 120 × 50 डिवाइड करो 2400 24 अब बच्चों इसका क्या करो अब आपके सामने जो मेन पॉइंट है बच्चों सेमी वेरिएबल ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड ये सेमी है ये भी सेमी है तो उसमें ज्यादा कैसे करोगे तो उसके लिए नॉटिंग नजर मोड पे नॉट नंबर 2। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से फिक्स और वेरिएबल अलग करना हो तो स्टेप नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और यूनिट तो ना देखो पर परसेंटेज है इक्वल टू डिफरेंस इन difference in पहले factory overhead difference in factory overhead upon difference in production percentage okay। चलो same variable जो overhead है बच्चों पर उसमें पहला घटक कौन सा ले रहे हम लोग factory overhead ठीक है। चलो बच्चों मेरे पास सब में तीन कॉलम कोई भी दो कॉलम का डिफरेंस देना है कौन सी लेनी है पहली दो लो लास्ट दो लो पहली और लास्ट लो जवाब सेम हो जाएगा कारण वेरिएबल कॉस्ट पर परसेंटेज यूनिट सेम है। चलो लास्ट दो लेते हैं बच्चों लास्ट दो में फैक्ट्री ओवरहेड देखो
एक लाख अगर 85,000 है, डिफरेंस निकालो तो एक लाख में से 85 लेस करो 15, ये कैसे आया एक लाख और 85 का डिफरेंस, ये एक लाख किसमें है 100%, 85 किसमें है 75, नीचे परसेंटेज का डिफरेंस करो कि चार कितना आएगा 25 डिवाइड करो तो मित्र 600, ये क्या आया पर परसेंटेज अमाउंट। चलो उसके बाद स्टेप नंबर वन फैक्ट्री ओवरहेड ले लिया, फिर से स्टेप नंबर वन किसके लिए फैक्ट्री के बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें भी डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड देखो मित्रों, तो उसमें भी बच्चों सेम ले 160,000 और 130,000 डिफरेंस आएगा 30,000 और परसेंटेज का डिफरेंस सेम 25 करो तो डिवाइड 1200 पर परसेंटेज, ये क्या है मित्रों वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको याद रखो ध्यान से देखना फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल लो कुछ 600 रुपया पर परसेंटेज और एसएमडी में लिखा हूं 1200 रुपए पर परसेंटेज, 600 × 50 30,000, अच्छा परसेंटेज निकालना नहीं खाली मल्टीप्लाई, 600 × 60 36,000, 600 × 80 48,000, चलो उसके बाद 1200 × 50 16,000, ओके 1200 × 60 72, 1200 × 80 96, अब बचा बच्चों फिक्स्ड, उसके लिए स्टेप नंबर टू, और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बच्चों कोई भी एक कॉलम को भेज लो, आपके पास तीन कॉलम है टेक्स्ट बुक में 50, 75, 100 बढ़ लो दुगुना कर लो मल्टीप्लाई बदू इजी पड़ बच्चों, हमेशा के लिए वाली 100% कोई 50% लेंदो है जवाब से बाहर क्या मित्र फिक्स कॉस्ट तो नहीं है जैसे बने हैं, चलो पर्टिकुलर चाइनीज फिर फैक्टरी ओवरहेड फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सबसे पहले बच्चों टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड कौन से लेवल पे 100% में छिल्ली कॉलम ले लो एमा फैक्ट्री ओवरहेड बोलो 1 लाख कई कॉलम है 100% है और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 160 ये लिखा ठीक है 100%, अब उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो जो वेरिएबल कॉस्ट फैक्ट्री में पर परसेंटेज कितना आया 600, बाजू में कितना आया 1200, 600 × 100 60,000, 1200 × 100 120, लेस करो तो मित्रों ये नीचे मिला दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, हां उसके बाद 40,000, ओके चलो अब बच्चों मेरे पास अब योगा नियोग बच्चों दोनों में सेम है 40-40 ऐसे जरूर नहीं सेम है, पहला फैक्ट्री और 40,000 है वो सब में सेम रहेगा लेकिन सेम रखवाना मतलब होता है बस सेम रखो कारण फिक्स कॉस्ट और एसएनडी वो भी सब में 40,000 सेम आएगा, रीजन फिक्स्ड कॉस्ट, रीजन फिक्स कॉस्ट, और एक कोई बच्चों 50% ले धारो के 60% ले तो 60 वाली वैल्यू लिख के उसमें से लेस करो तो और रकम सेम हो जाओ सब बच्चों, ये वो आपका अफलातून फ्लेक्सिबल बजट जिसमें सेमी वेरिएबल में से फिक्स वेरिएबल कैसे अलग करना है, ये जो मैंने बच्चों बोर्ड पे लिखा ना वो टेक्स्ट बुक पे नहीं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी केयरफुल, ओके अब बच्चों हमें खाली कॉस्ट का टोटल करना है, फोर लेग्स का टोटल करो 4 लेग्स ध्यान इस तरफ मित्रों 5 लेग में से 4 लेग लेस करो 1 अब बच्चों खाली कॉस्ट का टोटल करना है, आराम से करते हैं कोई जगह नहीं है 4,62,000 बाद में फाइव लैख एटी सिक्स थाउजेंड पर अब बच्चों प्रॉब्लम ये है इसके अंदर सेल्स की वैल्यू बाकी है, अब सेल्स के लिए मैं ध्यान देना ध्यान जरा लास्ट करेगा आप मैं ध्यान देना, इट इज एंटीसिपेटेड 5% रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस विल अनेबल द कंपनी टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम टू ऑपरेट 60 और 80 कैपेसिटी, यानी 60 और 80 पे सेल 5% रिड्यूस हो रहा है बच्चों, अब वो 5% रिड्यूस बोला मित्रों वो 5% आपके पास पर यूनिट तो है नहीं तो कैसे करोगे, तो बच्चों टोटल पे सेटिंग करना है देखो नॉट नंबर 3 सेल्स एट 60% एंड 80% पहले क्या करोगे 50 पे सेल कितना है आपके पास 5 लाख तो 60 पे हम
अगर हम इतना 50 पे 5 है तो 60 पे हाउ मच 6 लेना है सेम पर याद रखो 50 पे 5 है तो 80 पे हाउ मच 8 लेक्स इतना मित्र 8 लेक्स ओके अब क्या हो रहा है बच्चों 5% रिडक्शन इसमें जो 5% रिड्यूस करो 30,000 नया सेल हो गया यस 5% इस तरह 5% रिड्यूस करो 40,000 वैल्यू करो मित्र 7,60,000 68 का 60 आंसर चेक कर लेता हूं बच्चों एकदम करेक्ट है 577,760 आ जाता है और बच्चों दूसरा ऑप्शन ऐसा ना करना तो चुन चुन के ऑप्शन है मेरे आप लोगों को पता है ना चलो जस्ट ऑप्शन है हमारा दूसरा ऑप्शन आओ ना करो है तो सेल्स 5 लाख है 50% है ना उसको 50 से डिवाइड करो 10,000 ये पर परसेंटेज है सीधा 10,000 में से 5% रिड्यूस कर दो 9,500 ये 9,500 लेके देखो ठीक है कैसे करोगे 60% पे 9,500 पर परसेंटेज इनटू 60 फिर 80% पे 9,500 इनटू 80 करो तो सेम आ जाता है पहले में आएगा 570 दूसरे में आएगा 760 अब पहले ये बड़ा तो इजी पड़ा पर आपने जो डगलो ऑप्शन से तो ऑप्शन भी सिखवाया ये हो गया बच्चों आपको सेम क्वेश्चन इसके बारे में करना है डिक्टो टू डिक्टो कॉपी फाइल ओके सेम हमारे चक्राई कर से बढ़ा था तो अब बच्चों सेमी वेरिएबल और वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को समझ आ गया चलो बच्चों ये समझने के बाद सेंस लिखते हैं यहाँ आएगा 570,000 यहाँ आएगा 760,000 अब बच्चों सेल माइनस कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट करो तो मित्र 1,08,000 हाँ 760 माइनस 586 1,74,000 ये हो गया बच्चों आपका असला तुम क्वेश्चन होमवर्क में फाइव नंबर करना है चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल वर्क का ऐसा क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस 100% बच्चों बेसिक क्वेश्चन के भाई 100% बच्चों आंसर पेगा सम नंबर से वन राजकमल मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल बजट में आ गए बच्चों सबसे पहले 60% प्रेजेंट पोजीशन प्रेजेंट हमने सर पहला लेवल फिर 50 70 का 100 का आंसर आ गया कोऑर्डिनेट टोटल कोऑर्डिनेट टोटल कोऑर्डिनेट टोटल चलो क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं बच्चों राजकमल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस 18,000 यूनिट एट 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी फिर आपके पास वेरिएबल एक्सपेंडिचर है सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड लाके ना जाओ बच्चों ठीक है पेज आओ पीछे फिर कुछ फीस एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है सेकंड थर्ड फोर्थ चार एडजस्टमेंट है लास्ट में प्रिपेयर है फ्लेक्सिबल बजट फॉर ऑल लेवल्स देखते हैं बच्चों कैसे तैयार होता है सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट रेडी है प्रेजेंट सिचुएशन बच्चों इसमें डाल दें सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम सेल्स वैल्यू नजर बोर्ड पे सेल मारने वालों ध्यान जाए से मारा को प्रोडक्शन यूनिट पे प्रोडक्शन यूनिट है इसके 18,000 ठीक है फिर मेरा ध्यान जा रहा है सेलिंग प्राइस है बच्चों 60% लेवल पे 22 उसके बाद 50% लेवल पे 24 अलग अलग है उसके बाद 75% लेवल पे 21 एक बार चेक करते रहना 100% पे 18 ठीक है इससे हम लोग ब्लॉक करेंगे और नाम देंगे ए अब बच्चों मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो प्रोडक्शन के यूनिट चाहिए कैसे ढूंढोगे तो पद रखो 60 पे 18,000 तो 100 पे हाउ मच 60 पे 18 करोगे तो 100 पे कितने आता है 30,000 अब बार बार पद ना रखता हूँ तो 30,000 है 100% तो उसका 50% 15,000 उसका 75% 22,500 क्लियर अथवा कोई किसी मना नहीं खबर पड़ती तो 60 पे आटा 50 पे हाउ मच 60 पे आटा 75 पे हाउ मच 60 पे आटा 100 पे हाउ मच मच करो और आंसर लो अब बच्चों ये जो 22 रुपए उसको मल्टीप्लाई करो 18,000 से 3,96,000 हाँ एक बार टोटल बहुत होगा तो ध्यान देना होगा 3,60,000 1,660 4,72,500 ओके 5,40,000 ये हो गया बच्चों आपका सेल अब बच्चों उन्होंने हमें कॉलम दी हुई है मैं उसको पकड़ रहा हूँ सब के अंदर ध्यान सबका
चलो सबसे पहले उन्होंने दिया है एक नंबर में वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके अंदर है पहला खर्चा बच्चों मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट लेबर, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर बच्चों में उसका भी यहाँ टेबल करना होगा, यस। इसको नाम देंगे स्मॉल ए। फिर है बच्चों सेमी वेरिएबल, उसके अंदर है बच्चों मेरे पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। फिर बच्चों यहां आएगा टोटल, उसके बाद है बच्चों मेरे पास फिक्स्ड एक्सपेंस। पूरा बोर्ड बन जाएगा मित्रों, ध्यान देना। उसमें सबसे पहले आएगा रेंट, उसके बाद है डेप्रिसिएशन, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। ओह जगह कम पड़ी गई नहीं, चलो मित्रों बोर्ड में लास्ट तक जाना चाहिए, ध्यान देना कटना होगा। ये हो गया सी। फिर यहाँ करेंगे टोटल कॉस्ट, फिर एक लाइन आएगी मित्रों, और फिर लास्ट में आएगा बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या करते हैं बताएं कि कैपिटल है या कैपिटल बी, ए माइनस बी दिख रहा है। चलो अब बच्चों सबसे पहले कॉल या मैं वीडियो का रिकॉर्ड करते समय बोला उनका डर है, बीच में को देखना पड़ता है, कई बार नीचे का ना आ रहा वीडियो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। चलो पहले बच्चों प्रेजेंट कॉल लिख दे 90,000, 54, 27, उसके बाद है 19,500, 4,000, 10,000, 3,500 and 8,000, उसके बाद है 55, हाँ सॉरी बच्चों गलती से मिस्टेक, तुरंत देख पाएंगे ध्यान दो रहा मेरा, ये यहाँ आया, ठीक है, वेल डन मित्रों। ये साइड में लिखना बच्चों, गलती से मिस्टेक। चलो 55, उसके बाद डेप्रिसिएशन है बच्चों 32,000, जो इन्हें तुमने क्या लगा तो खतरनाक एग्जांपल लिया लंबा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 57,000, उसके बाद है 36,000, ठीक है। बिल में टोटल क्या है देखो तुम, 1,71,000, हाँ 45,000, ओके 1,80,000। बच्चों बहुत ही बोरिंग काम है और ऑफलाइन में तो आप लोग पता है टोटल अपने आप कर रहे हैं, तो मैं सारे टोटल कर रहा हूं और उम्मीद भाई को दे रहा हूं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का टोटल करो बच्चों 3,96,000। ओ सेल में से कॉस्ट लेस करो, जीरो नील, कोई प्रॉफिट नहीं, इस तरह मिले मित्र भाई 90,000 / 18 बोल दे आप, मैं निकाला हूं 5 5 3, हां 1.5, टोटल 9.5, हाँ टोटल के साथ वही है, नो प्रॉब्लम, 1.08, हाँ 0.22, 0.56, 0.19, 0.44, 2.49, 2.78, 1.78, 3.16, 2, 9.72, 21.72, यानी 22 ही ले लो ना, जीरो का ना, बराबर, ये तीनों का टोटल राउंड करके 22 ले लेते हैं, माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो, राउंड फिगर लिख दो बच्चों, बराबर। चलो अब बच्चों आपकी अगली परीक्षा शुरू हुई, ये इतना परसेंट का बैचेस बन गया है, पहला प्रोडक्शन यूनिट है बराबर, 25 ऊपर जो आपका बुक में कॉपी करियो टोटल हिसाब में डिवाइड करियो मुंह तो आप प्रेजेंट कॉलम जो कहे ना बनाए तो लोचा पड़े बच्चों बनाए दे। अब मैं अंदर जा रहा, पहला पॉइंट एक नंबर फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन फिक्स्ड अप टू 100% का टोटल फिक्स्ड में बच्चों नियम क्या है उसकी टोटल वैल्यू सेम रहती है कितनी है हां 52 32 57 36 टोटल 180 उसके बाद बच्चों यहां भी सेम हां क्यों कारण फिक्स कॉस्ट लेवल कोई भी हो वैल्यू सेम
यहाँ पे सेम, हाँ क्यों, फिक्स्ड कॉस्ट ये हो गया बच्चों आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब बच्चों नियम क्या है, पर यूनिट चेंजेबल, तो उसका सेटिंग करवा दो ना, इनका डिवाइड किया आपने 3.67, हाँ 2.30, 3.80, हाँ 2.40, 40 टोटल 12। चलो इस तरफ 75 है, 2.22, हाँ 1.42, 2.53, 1.60, 7.77। अब बच्चों ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में इसकी कोई यूज ही नहीं है, और लखा जो छता कोई भूल हो तो पछि एना माटे व्हाट्सएप में करते भागा लखा ने चेक कर लेजो बराबर, टोटल वैल्यू मीन से और ये मैं तुम्हारा माटे करू बराबर, જોઈ લેવાનો ચોપડા માંથી ટોટલ કરી લેવાનું મીન ભાઈ, તો મે ભી ગલત હો તો રિવાઇઝ કર લેજો ઠીક હે। 1.67, 1.06, 1.90, 1.20, 4.83। चलो यहाँ जाए बच्चों, अब एडजस्टमेंट नंबर टू, वेरिएबल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% पर यूनिट एट 75% एंड 10% पर यूनिट एट 100% कैपेसिटी, यानी 75% 100 में चेंज है बच्चों, तो 50% नहीं, कोई चेंज नहीं, तो पर यूनिट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज ना हो तो सेम रह जाएगा बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट को नहीं, पर यूनिट सेम, 5 × 15000 75000, 3 × 15000 45, 1.5 × 15000 22500, टोटल करेंगे भाई इसका 1,42,500। चलो हवे बाड़ा को 75% सो के बोले 75% में 5% इंक्रीज करो, कितना इंक्रीज करवा लूं 5% के 5 रुपए में 5% ऐड करो तो कितना आएगा 5.25, हाँ 3 रुपए में 5% ऐड करो तो 3.15, 1.5 में 5% ऐड करो तो 1.575। क्लियर हुआ बच्चों 1.575, ये हो गया पर यूनिट चेंज, टोटल करो तो कितना इसका 9.975। ओके अब बच्चों 5.25 इनटू 22500 1,18,125 1,18,125 सेकंड बोलो तो मित्र 70,875 35,438 ओह इट्स अ बिग सम बच्चों, टोटल करो तो 2,24,438। चलो अब बच्चों 100% पे क्या बोला है, बोले वेरिएबल को 10% यूज होगा, 5 रुपए में 10% करो तो 5.50 ओके, और 3 रुपए में 10% 3.30, 1.5 में 10% 1.65, टोटल करो तो मित्र 10.45 1,65,000 99,000 49,500 आपने देख रहा है अभी भी टीवाई और एमकॉम की एग्जाम रनिंग है ठीक है। चल सेमी वेरिएबल के बच्चों थर्ड पॉइंट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर रिमेन फिक्स्ड फ्रॉम 45 to 65, 65% तक सेम रहेगा, और कौन सी वैल्यू, हमेशा टोटल वैल्यू बोला है, ये 50% तक सेम रहेगा, सेम लिख दो ये लिखा सेम रहेगा, ये लिख दो ये लिखा सेम रहेगा, ये लिखो ये लिखा इसी को डाउट है, टोटल भी सेम टप मारू, हाँ पर यूनिट बदल जाएगा 1.3, हाँ 1.3, इसके बाद 0.27, हाँ 0.67, हाँ 0.23, 0.53 ठीक है। अब बच्चों 75% वाले कॉलम लेने जा रहे हैं लोग, अब 75% पे क्या बोला है, तो आगे बढ़ो थर्ड पॉइंट, it will increase 10% from 65 to 80, 65 to 80 and exact 75 with 10% increment, but 10% increment same only one total one okay ye raha total dekho ye lo yaar 19500 pe 10% add karo 21450 4000 pe 10% add karo
10,000 में 10% ऐड करो, 3,500 में 10% ऐड करो, 3,850, 8,000 में 10% ऐड करो, टोटल में 10% ऐड करो, 49,500। चलो अब बच्चों डिवाइड, 0.95, हाँ, 0.20, 0.49, हाँ, 0.17, 0.39, 0.39, ओके। चलो अब बच्चों 100% वाली कॉलम में जाएं, उसके लिए बोले 100% में 20% इंक्रीमेंट है 80 to 200 में, और 20% इंक्रीमेंट हम करवा रहे हैं ना, बेस पे चलेगा बच्चे, रहा बेस 19,500 में 20% ऐड करो, 23,400, फिर 4,000 में 20% ऐड करो, 4,800, 10,000 में 20% ऐड करो, 12,000, 3,500 में 20% ऐड करो, 700 यानी 4,200, 8,000 में 20% ऐड करो, 9,600, टोटल में 20% ऐड करो, 54,000, यस। अब बच्चों इसे डिवाइड करें, 30,000 डिवाइड करो कितना, 0.78, हाँ, 0.16, हाँ, 0.40, हाँ, 0.14, हाँ, 0.32, 1.8, ओके, 2.2, इसका भी बाकी, 3, आह, दिस इज कॉल्ड बिग क्वेश्चन बच्चों, आप ये ए बी सी तीनों के कॉस्ट का टोटल करो, हम आए बच्चों 50 पे, 24.50, 15, बाजू में, नहीं, 50, ओके 50, बाजू बेटा, 367,500, 19.945, बच्चों टोटल में बोलो तो सुधार के तो फरी का उसे पर यूनिट में यूज़ नहीं करना, तो तुमने सारू लाख के लिए खाओगे, गलत नहीं बे? ना, लाइक टोटल में बोलो तो 20.18, यहाँ बराबर है, ओके बराबर है, इस तरफ 75 में टोटल, हां 453,938, यहां चिल्ली पे 17.08, हां 547,500। चलो अब बच्चों ये जो सेल्स है उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करो, देन यू रिसीव प्रॉफिट 50% से बोलो, 20 तो 50 24 में से माइनस करोगे तो माइनस तो क्या है ना, 50% माइनस 0.5, बाजू में 360 में से ये लेस करोगे तो माइनस 7 6 7, तो खाली 7 है, 7,500, फिर यहाँ बोलो 21 में से 19.945 है, पंचो दे बड़े 1.055, बाजू में 18,562, 562, फिर लास्ट कॉलम छोटा का वाली 0.92, हाँ माइनस 7,500। ओह अब बच्चों मुझे चेक करना होगा, डाउटफुल आंसर है सारे, 50% पे 367,500 टोटल कॉस्ट, 50% पे 367,500 आ जाता है, एंड लॉस 7,500 आ जाता है, 60% पे 396 वो भी आ जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, 75 पे 453,938 आ जाता है, प्रॉफिट 18,532 आ रहा है, नहीं चेक करो तो मिल पाए 472,500 में जिससे लेस करके चेक करो तो 18,562 गलत है कि लोचा इस पर, बराबर है 18,562 आ रहा है, ओके तो इसमें बोलोगे, उसके बाद बच्चों 100% लेवल पे 547,575 लगा था जाता बच्चों, ऑल आंसर इज राइट, अभी बुक में गलत है उसको हम रिवाइज कर लेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अब बच्चों इसके होमवर्क का नंबर नहीं लिख रहा हूं, इसमें होमवर्क है नहीं, पर मैं आपको जब कॉपी दूंगा तो इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप लोग एक्स्ट्रा होमवर्क ऐसा कोई भी सपोज का कर लोगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.